वही तो कर रहे थे, एकदम सिरे से चकरा जा रहा है। इसमें खा लिया ना? हाँ खा लिया सर। कैमरा में दिखाइए। खा लिया, खा लिया, खा लिया। सामान नहीं मंगाए हैं आप, आपके सामने मंगाए। क्या मंगा रहे? गिफ्ट मंगाए। गिफ्ट गिफ्ट मंगाए और सभी लोगों के सामने मंगाए। ओए कुछ निकल रहा है समझे। अरे और मंगाइए। कुछ मंगाए दो तीन तो मंगाइए। जितना कर मंगाना ही पड़ेगा ना। और मंगा रहे हैं। डिजाइन में कुछ है और है क्या? देखिए खाली है, भरा है। ये दिख तो नहीं रहा है कुछ। अभी निकल जाएगा काली वाले, इसमें पता नहीं कैसे। बस बस रहने दीजिए और निकाल दें। बता दीजिए। नहीं बस रहने दीजिए। अरे निकाल ला मैंने। गजब देखिए इसके बराबर से ऊंचा हो गया है। हाँ ये दिखाइए बाबा। उसमें कुछ नहीं, खाली करा करी इसमें है। देखिए खाली बाबा। ये बताइए कि जब ऐसी कलाकारी गांव में दिखाते हैं लोग। ये देखिए बाबा कलाकारी नहीं, यही कलाकारी आप लोग करते। चलिए क्लोज कर दो बाबा। ये बताइए जब ऐसे गांव में ऐसे दिखाते हैं लोगों को जादूगरी ये सारी चीजें, तो फिर उसके बाद क्या बताते हैं लोगों को? कि फिर बताते हैं कि कैसे किए ये सब? नहीं बताते तो हैं, केवल मतलब कहा जाता है कि ये खेल है, कोई जादू नहीं है, इससे दूर रहें। लेकिन ये एक बहुत अच्छा प्रयास है कि गांव में एक जागरूकता फैलाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारा देश अभी भी 21वीं सदी में भी अंधविश्वास की तरफ जा रहा है बहुत ज्यादा। तो आप लोग बहुत सही काम कर रहे हैं। कैसे समझाते हैं लोगों को? थोड़ा यहाँ कैमरे पे भी यही सब दिखा करके कि मतलब ये सब पाखंड है, सब झूठ है, ये जादू के नाम पर लूटते हैं लोग। हाँ। तो आप नहीं लेते हैं पैसा वैसा? कुछ नहीं, हम लोग पैसा कहाँ लेते हैं पैसा? जो भी ये निकालेगा उसको हम 200 रुपया देंगे। अभी बताइए निकाल के, हमारा दिल है मतलब इनका दिल है कहीं फंस गया है, बस उसको निकालना है। हम देते हैं ना, कमाते भी। 500 रुपए देंगे? नहीं उतना नहीं है, 100 रुपए देंगे। 100 रुपए जी, थोड़ा मैं देख लूँ 100 रुपए कमा पाती हूँ या नहीं। नहीं तो फिर वापस लेंगे भी 100 रुपया। निकाल कोई दिक्कत नहीं। ये ना एक्चुअली यहाँ से ऐसे उलझा हुआ है ये, तो ये कैसे निकलेगा? ये लीजिए सर, आप ट्राई करिए। कुछ कहानी वानी हुई? कोई कहानी वानी हुई? चलिए दीजिए सर, हमको पढ़ाने जाना है। अरे जनरा समय तो दीजिए भाई, इसको हमको दे दीजिए, हम निकाल के आपको फोटो खींच दीजिए। बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर इनको तुरंत निकालना रहता है, इतना टाइम थोड़ी मिलता है। कोशिश करने दीजिए, इतना टाइम नहीं मिलता है। तो वो सुनिए, ये तो आप भैया पहले भी बता रहे हैं कि ये जो है, ये जो भी आप खेल करतब देख रहे हैं, ये दरअसल आपके आंखों का एक भ्रम होता है जो लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोग जागरूकता फैला रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये सब एक खेल है जिसमें आप फंसिए मत, समझदार बनिए। वही कहने का मतलब कि आप लोग अपने से जागरूक होइए और बस कुछ मत करिए, ऐसे इसको करिए और कहीं से भी इसको निकालना चाहें आसानी से निकाल सकते हैं इसको। बस ऐसे करिए और निकाल के ऐसे बाहर कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा, कुछ करना नहीं होता इसमें। ये वाला निकालिए, वो निकलने का, निकलने के लिए बनाया, जो निकलने के लिए बनाया गया वो निकलेगा। इनका दिल जो फंसा था वो निकल गया, देखिए जी। थैंक यू भैया का दिल फंस गया था, निकल गया। तो
चाचा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग गांव में कम से कम एक जागरूकता का काम कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी भी है। और चाचा आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आप मुझको भी मूर्ख बना दिए, मतलब समझ नहीं आया कैसे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। देखिए हम लोगों को मतलब कि यही सब दिखा करके बताया जाता है कि भाई फंसी है ना, कहीं 1500 दीजिए मत, एक तो मेहनत मजूरी करके आ रहे हैं घर पर और कोई 500 लेकर चला जाए, कितना खलेगा। सही बात है, तो इससे बचिए आप, सभी लोग को कहा जाता है। देखिए ये गेम बहुत कठिन है कि आसान है, इसमें नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन ये जो मैसेज चाचा देना चाह रहे हैं, ये जो संदेश आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। हम में से अधिकतर लोगों ने ये देखा होगा जो गांव में रहते हैं, एक बाबा आते हैं वो अपने हाथ से ऐसे पानी छू के ऐसे दे देते हैं और पानी मीठा मीठा लगने लगता है, तो कहते हैं भगवान का आशीर्वाद है, पानी मीठा लग रहा है, तो लोग 550 जो मन में आता है वो चढ़ाते हैं। राखी उठा कर देते हैं तो चीनी हो जाएगा, चीनी हो जाएगी और आप खा देंगे हम लोग। और एक पत्थर ले आते हैं, उसको थाली में नींबू डाल के और वो पत्थर ऐसे ऐसे चलने लगता है, चलेगा, चमत्कारी पत्थर है, उसको सोने या चांदी के अंगूठी गड़वा के पहने कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा कहते लोग आते हैं। तो आप यही बताना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, कुछ होता। नहीं, ये सब हम लोग भी दिखाते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन समय नहीं तो हम आपको करके दिखा देते हैं। सब खेल है, सब खेल है, कोई चमत्कार नहीं। आपसे चावल मंगाएंगे और हाँ बाबा, आपको एक हाथ से चावल मंगाएंगे और चावलों को छू देंगे और कहेंगे मुंह डालिए तू जाना का खीर है। सही, हाँ वही सब होता है, हाथ की सफाई है, हाथ की सफाई है। देखिए बाबा खुद ही भगवा गमछा पहने हुए साधुओं वाला, तब भी आप संदेश दे रहे हैं कि अंधविश्वास में नहीं फंसना है। देखिए 21वीं सदी का भारत है जो विज्ञान की तरफ बढ़ रहा है, 21वीं सदी का भारत है जो विकास की तरफ बढ़ रहा है, 21वीं सदी का भारत है ये, यहाँ पर अंधविश्वास पाखंड जैसी चीजें नहीं रहेंगी, क्योंकि भैया और चाचा लोग मिलके समाज। आप भी कुछ करेंगे? नहीं नहीं बस भाई, अच्छा आप भी कुछ दिखाइए तब। नहीं दिखाते हैं, आप भी मेरी तरह है क्या, कुछ नहीं आता है? नहीं हमको बहुत कुछ आता है, कला करते हैं ना। क्या करते हैं? गोलंबर का काम करते हैं, अच्छा मकान बड़ी बड़ी बिल्डिंग का काम करते हैं। भैया ने एक जादू आपको सिखाया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको प्रैक्टिस करें और ऐसे चुटकी बजा के लोगों को मूर्ख बना सकते हैं आप भी। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आपको भैया धन्यवाद, चाचा आपको धन्यवाद जो इतना बढ़िया प्रयास कर रहे हैं कि लोग जागरूक हो रहे हैं। अगर सब ही लोगों के माध्यम से ना हम लोग भाई जागरूक कर पाएंगे, इतना घूम कर कहाँ करेंगे कि नहीं आप सतर्क रहिए, आप लोगों के माध्यम से हम लोग बोल रहे हैं कि आप भाई लोग सतर्क रहें, सतर्क रहिए, अंधविश्वास के उसमें मत आइए, चंगुल में मत फंसिए, विज्ञान की तरफ आगे बढ़िए। नमस्कार।